चेतावनी, बीड़ी पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन पौड़ी बस हादसे से सही सलामत लौटे धीरेन्द्र सिंह का कहना है कि मेरे लिए बीड़ी पीना जान के लिए स्वास्थ्यकारक है। आज बीड़ी की वजह से मुझे जीवन दान मिला है। दरअसल बीड़ी पीने की लत की वजह से बस हादसे में धीरेन्द्र की जान बची है। आपको बताते हैं एक बीड़ी ने कैसे बचाई धीरेन्द्र की जान। नमस्कार, मैं रश्मि तिवारी और आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, लेकिन पौड़ी बस हादसे में बीड़ी की लत ने एक व्यक्ति की जान भी बचाई है। जी हाँ, इसी बीड़ी के धुएं के चक्कर में बीरो खाल के सिमड़ी में हुए बस हादसे में धीरेन्द्र सिंह के साथ अन्य 4 से 5 लोगों की जानें बच गई हैं, जिसके बाद बीड़ी पीने वाला बीड़ी को ही अपना भगवान मानने लगा है। अब आपको बताते हैं क्या था पौड़ी बस हादसा। बता दें कि बीती 4 अक्टूबर की देर शाम लाल ढांग से बीरो खाल के कांडा तल्ला गांव जा रही बारातियों से भरी बस सिमड़ी के पास खाई में जा गिरी थी। इस दर्दनाक हादसे में अभी तक 33 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई घायलों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। यह हादसा बेहद भयानक था, जिसमें कई लोग काल के गाल में समा गए। जहां लोग खुशी खुशी शादी समारोह में शिरकत करने जा रहे थे, लेकिन दुल्हन के गाँव के करीब ये हादसा हो गया, जिससे पल भर में खुशियां मातम में बदल गईं। इस हादसे में बचे सुरक्षित धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि सिमड़ी के पास पहुंचते ही उन्हें बीड़ी पीने की तलब लगी। वो बस में बैठकर पीछे की सीट पर बीड़ी फूंकने लगे। बीड़ी के उठते धुएं से बच्चों और महिलाओं को परेशानी होने लगी, तो सभी लोगों ने धीरेन्द्र को बस के दरवाजे के पास जाने के लिए कहा, जिसके बाद धीरेन्द्र मजे से बस का दरवाजा खोलकर ही बीड़ी पीने लगे। इसी बीच सिमड़ी के पास ही बस की कमानी टूटने की जोर की आवाज हुई। बस ने एक तरफ झुकाव लिया, लेकिन इसी बीच मौका देखकर धीरेन्द्र सिंह और अन्य 3 से 4 युवक भी एक साथ ही बस से सही सलामत बाहर कूद पड़े। लेकिन अन्य लोग धीरेन्द्र जितने खुशकिस्मत नहीं थे। धीरेन्द्र की आंखों के सामने ही बारातियों से भरी बस देखते ही देखते 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। वहीं अब धीरेन्द्र सिंह को बीड़ी पीने पर बड़ा नाज हो रहा है। उनका कहना है कि बीड़ी पीने की आदत की वजह से ही उनकी जान बच पाई है। उन्होंने ये भी कहा कि घर पहुंचने के बाद वो जल्दी ही सत्यनारायण की कथा भी करवाएंगे, और इतना ही नहीं, वो अब मंगलवार को बीड़ी के बंडल का दान भी करेंगे। क्या किसी ने कल्पना भी की होगी कि जो बीड़ी स्वास्थ्य के लिए इतनी हानिकारक होती है, वो किसी की जान भी बचा सकती है। बात अजीब जरूर है, लेकिन सच है। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ कबीर न्यूज़ पर। नमस्कार।